assalam-o-alikum, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको अंडे ग्रेवी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो आए चलो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने 3 से 4 टमाटर का पेस्ट ले लिया, 2 बॉयल अंडे ले लिए, आप और भी ले सकते हैं, धनिया ले लिया इसे बारीक काट लिया, ये करी पत्ते ले लिए थोड़े से, लहसुन का पेस्ट ले लिया मैंने थोड़ा सा, ये हमने हरी मिर्चें ले ली 2 से 3, और ये हमने हाफ चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लिया, ये हमने 1 कप तेल ले लिया, और ये हमने बॉयल आलू ले लिए 3 से 4 ले लेने हैं, और ये मैंने प्याज ले ली है 1 छोटी प्याज, और इसे मैंने बारीक काट लिया, ये लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच ले ली है, धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच ले लिया है, हल्दी मैंने 1/2 चम्मच ले ली है, नमक हसबे ज़ायका, और ये मैंने गरम मसाला ले लिया थोड़ा सा। तो आए चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं अंडे को बॉईल करके इसके बारीक पीसेस कर लिए थे इस तरीके से, वो हाफ बॉईल किया था, फुल बॉईल नहीं किया था। तो हम ये पतीले में ये तेल डाल रहे हैं, अब हम इस तेल को गरम होने देंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, और अब हम इसे हल्का ब्राउन होने देंगे। अब ये लाइट ब्राउन होने लगी है, और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, अब हम इसे 10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये हम इसीलिए फ्राई करते हैं ताकि ये आलू जल्दी गल जाए। तो अब हम 10 मिनट वेट करते हैं। अब ये हमारे आलू गल चुके हैं और 10 मिनट हो गई है। अब हम इसमें करी पत्ते और लहसुन डाल के इसे 5 मिनट भून लेंगे। अब इसमें से खुशबू आने लगी है, तो अब हम टमाटर और ये मसाले इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसमें मसाले और टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब ये हमारा तकरीबन मसाला भून चुका है, अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, 1/2 कप पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल टमाटर की रह गई है वो ख़त्म हो जाए, और फिर हम इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। अब हमने इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है, और अब हम इसमें मिर्चें ऐड कर देंगे इस तरीके से। देख सकते हैं कि ये हमारा मसाला भून चुका है और हमारा सालन रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा सालन रेडी हो चुका है, और अब हम इसके ऊपर ये बॉयल एग इस तरीके, और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा इस तरीके से धनिया भी ऐड कर दिया। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।